मैं शुरू करना चाहूंगी हार्दिक पांड्या से। इंडिया आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाना चाहिए। इंडिया की टीम का रियल राइवल कौन होने वाला है अब की बार? मुझे लगता है वेस्ट इंडीज, वो बहुत बड़ी मैच है। जो करंट पाकिस्तान की टीम है लेड बाय बाबर आजम, आपको क्या लगता है कि सच्ची में इंडिया और पाकिस्तान की कांटे की टक्कर होने वाली है? मुझे नहीं लगता। हमारी टीम में स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रिंकू की कमी तो आप ये तो बोलोगे लाइक कमी तो खेलने वाली है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, ऋषभ हैज कम बैक इतने बड़े इंजरी के बाद, वो खेल रहा है और आईपीएल पूरा उसने कंप्लीट किया, ये बहुत बड़ी बात है। इज इट बिकॉज की वहाँ की पिचेस बहुत ज्यादा स्लो होने वाली है व्हेन इट कम्स टू वेस्ट इंडीज एंड इवन मे बी यूएस? आई थिंक वेस्ट इंडीज में स्लो होंगी, यू आर राइट। हाय, माय नेम इज जतिन परांजपे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन midday.com। हम सबको पता है अभी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का क्या लाइनअप है, और जब भी कोई लाइनअप आता है हर कोई अपना ओपिनियन देता है कि ऐसा लाइनअप होना चाहिए था, ये स्पिनर है, ये बॉलर है, इसको क्यों नहीं रखा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एक सेलेक्टर का माइंडसेट कैसा होता है। ये जो सिलेक्शन का जॉब है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दैट अजीत अगरकर एंड हिज कमिटी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। ये बहुत ही अच्छी टीम उन्होंने पिक की है। लोगों को शायद मालूम नहीं है कि ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो स्क्वाड होता है वो इट हैज़ टू बी ओनली 15। यू कैन नॉट पिक अ 16th प्लेयर फॉर एग्जांपल, विच यू कैन डू फॉर बायलैटरल सीरीज। सो इट्स इवन टफर टू पिक 15 रादर देन करेक्ट, बट यू हैव टू पिक 15। सो अनलेस समबडी गेट्स इंजर्ड दोज रिजर्व्स कांट कम इन। सो सेलेक्टर जब भी आप होते हो तभी आप दो तीन फैक्टर्स का फिल्टर आप यूज़ करते हो। एक तो परफॉर्मेंस है कि वो प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस के पहले जो टीम की नीड है वो आप पहले देखते हो। तो सिलेक्टर्स वो पहले देखते हैं कि ये इंडियन टीम के लिए नेक्स्ट 6-12 महीने तक क्या नीड है, ऑलराउंडर चाहिए या ओपनिंग बैट्समैन चाहिए या विकेट कीपर चाहिए, और फिर सब सिलेक्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट वॉच करके ईच पोजिशन जो फिल होनी चाहिए उसके लिए 4-5 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट, सो उसमें आईपीएल की परफॉर्मेंस क्या एक फैक्टर है? आईपीएल का भी मायना है उसमें, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की जो अपनी 20 ओवर्स की टूर्नामेंट है मुश्ताक अली, वो भी बहुत वॉच करते हैं और उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। बट देन आईपीएल का भी है, बिकॉज आईपीएल अभी वर्ल्ड कप के पहले ही हो रही थी। तो ये जो है फर्स्ट टीम की नीड क्या है, सेकेंड परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, और थर्ड वो परफॉर्मेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो जो प्लेयर ने परफॉर्म किया है वो कौन से सिचुएशन में परफॉर्म किया है, वो परफॉर्मेंस से उसकी टीम जीती है या नहीं। तो वो ये दो तीन फिल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर, अब की बार जो टीम का लाइनअप है विच वी कैन सी इवन बोलिंग साइड पे इट इज़ वेरी वेरी स्पिनर्स यू नो हैवी एंड वी हैव अ बैटिंग लाइनअप, वी हैव पेस बोलर्स, सो ये पूरे लाइनअप पे आपका यू नो क्या व्यू पॉइंट है? नहीं, आई थिंक ये जो टीम पिक की गई है वो कंडीशंस के लिए पिक की गई है, बिकॉज पहले आई थिंक 4 या 5 मैच अपने US में है, उसके बाद वी शिफ्ट टू द वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ में विकेट्स इंडिया जैसे ही होते, सो दे आर स्लो एंड दे आर लो। सो आई थॉट अक्षर पटेल सिलेक्शन इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट सिलेक्शन, बिकॉज वो टीम में खेलेगा, ज़रूर खेलेगा, वेस्ट इंडीज़ का लेग तो वो खेलेगा। और T20 में प्रूवन क्वांटिटी है कि आप रिस्ट स्पिनर्स से खेलोगे तो यू नो एक एडवांटेज होता है। सो मेरे ख्याल से 2 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे 11 में, बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक खेलेगा, और 3 स्पिनर खेलेंगे, आई थिंक जडेजा, अक्षर और चहल विल स्टार्ट, एंड देन ऑड गेम दे माइट गिव यू नो कुलदीप यादव एज वेल। बट इट्स अ गुड टीम, इट्स अ टीम विच हैज़ बीन पिक्ड विद द कंडीशंस इन माइंड, एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर इन दोस बिग गेम्स। बैटिंग में हु डू यू सी एज ओपनर्स? देयर इज रोहित शर्मा, देन देयर इज यशस्वी जायसवाल। या आई हैव अ फीलिंग एंड इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन काइंड ऑफ यू नो व्यू पॉइंट विच आई हैव। आई थिंक रोहित एंड जायसवाल विल ओपन, विराट विल बैट 3, सूर्य कुमार यादव विल बैट 4, ऋषभ पंत विल बैट 5, हार्दिक 6, जडेजा 7, अक्षर 8। सो आई थिंक जायसवाल विल ओपन टू स्टार्ट विद, बिकॉज लेफ्ट हैंडर का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज अ बॉलर हैज़ टू स्विच हिज लाइन टू अ लेफ्ट हैंडर एंड देन स्विच बैक टू अ राइट हैंडर, उसमें कभी कभी गलती होती है, लूज बॉल मिलता है, रन स्कोर कर सकते हो आप। राइट, ऐसा जब लाइनअप आया ऐसा बोला गया था कि बहुत ज़्यादा स्पिन हैवी यू नो बोलिंग लाइनअप है वहाँ पे, डू यू थिंक वी रियली नीड लाइक 4 स्पिनर्स और
व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न? इज़ इट बिकॉज़ कि वहाँ की पिचेस बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्ट इंडीज़ एंड इवन मे बी यूएस? आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में स्लो होंगी, यू आर राइट, एंड समटाइम्स द बॉल ग्रिप्स इन द वेस्ट इंडीज़ ऑल्सो. सो आई थिंक इट्स अ स्मार्ट डिसीजन बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव अ लिटल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. दे आर कन्विंस दैट दे हैव टू प्ले थ्री स्पिनर्स इन द 11. जडेजा पिक्स हिमसेल्फ एंड द अदर टू स्पिनर्स, देन दे हैव फोर ऑप्शंस इन द अदर टू. सो आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर ऑपोजिशन एज वेल. हाउ मेनी लेफ्ट हैंडर्स आर इन द ऑपोजिशन एंड देन यू पिक अ सर्टन स्पिनर, फॉर एग्जाम्पल. सो इफ इफ यू आर प्लेइंग न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड हैव मे बी फोर और फाइव लेफ्ट हैंडर्स, देन दे माइट नॉट पिक अक्षर बट दे विल पिक यूजी एंड कुलदीप यादव because they'll be turning the ball away from the left-hander. So these are the little windows of, you know, movement which or windows of flexibility which this kind of combination gives the captain. Aur jab hi selection committee baithti hai, they always look to the captain ki captain ke man mein kya hai, what is the game plan, because cricket aisa game hai jo captain is the boss. Football mein manager is the boss, lekin cricket mein captain is the boss because he knows ki wo wicket pe wo circumstances mein what kind of flying formation does he want across the 11. So I think there would have been a lot of in-depth conversations with Rohit as to what kind of cricket he wants to play and what kind of team he wants to play. Exactly, talking about Rohit, in the recent press conference, जब रोहित शर्मा से एंड अजीत अगरकर से ये पूछा गया अबाउट मिसिंग एन ऑफ स्पिनर इन द टीम, रोहित रेज्ड हिज हैंड. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? यार, रोहित इज, यू नो, यू हैव टू टेक इट इन अ टंग एंड चीक मैनर विद रोहित समटाइम्स, यू नो, बिकॉज समटाइम्स ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग. बट आई डोंट नो इफ ही इज प्रैक्टिसिंग इन द नेट्स, बट रोहित शर्मा इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर हिमसेल्फ. ही हैड सम प्रॉब्लम विद हिज फिंगर, दैट्स व्हाई ही इज नॉट बोलिंग, बट मे बी ही इज बीन बोलिंग इन द मुंबई इंडियंस नेट्स, आई हैव नॉट फाउंड आउट. But he can certainly, you know, let's not forget he has a hat-trick in the IPL. When he was playing for Deccan Chargers, he got a hat-trick as a bowler. So never know, but वो बहुत lighter vein में भी कभी बात कर लेता है, so you know. Now let's come to certain players who have been a hot topic of discussion in the recent times. And मैं शुरू करना चाहूँगी हार्दिक पांड्या से. Clearly he unfortunately struggled throughout IPL, game wise also and mentally also, you know, which could be seen. How do you see his role in the team as of now when it comes to T20 World Cup at this moment, and what advice do you have for him? I think he is, to be honest with you, an indispensable member of this team. मतलब उनके बिना तो like नहीं चलेगा काम. Because he gives you a cushion at number 5 to bat. Undisputed performer with the bat, but our team is such a team that he becomes your sixth bowler, and none of our top batsmen, Virat doesn't bowl, Jaiswal doesn't bowl, Rohit doesn't bowl, Sky doesn't bowl, right? In the 2011 World Cup when we won, we had a problem of plenty because Sachin could bowl, Viru could bowl, UV could bowl, Raina could bowl. So, you know, you had so many options there. So, we struggle for those options, and hence you need more than just five bowlers. You need six, maybe seven bowlers. So, Hardik gives you that six bowler option and there's no doubting his cricket at all. He is a match winner. Cricket career mein upar niche hote rehta hai. He's not had a great time in the IPL, but not being captain of India is going to work to his advantage, because as a captain of any team or country or a franchise, you have so much extra work which is put on you, because you are then managing the bowling unit, the bowling coach, the batting coach. You have so many multiple meetings, you know, to draw some alignment of purpose within that team, that apart from your game, you have to focus a lot of time on being the leader of the ship. But here, not being the captain is going to work to his advantage, and he's a big match player. So I will look at him in the last 3 or 4 games of the tournament, and you'll see that he will do well. जब आपने बात करी captain की, मेरे दिमाग में एक नाम आता है, which is Ruturaj Gaikwad. He did amazing job as a CSK captain. Of course, you know, with the help of, under the leadership of MS Dhoni and his seniors. But surprisingly, Gaikwad को you know इस squad में जगह नहीं मिली. Do you think India बहुत ज़्यादा miss करने वाला है इस talent को? I don't think अभी World Cup में इतना miss करेगा, because I think you have Rohit, Virat, Jaiswal, Sky, they will look after it. But coming back to his captaincy, I was very impressed. वो थोड़ा एक बहुत mature captain लग रहा है मुझे. Even though पहला ही season है, लेकिन बहुत ही mature लग रहा है.
पेशेंट लग रहा है, प्लेयर्स को साथ में लेके खेलने वाला एक कैप्टन लग रहा है, प्लेयर्स कैप्टन मुझे वो लग रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहाँ विकेट्स के पीछे MS है, यू नो, तो एक बहुत ही बड़ा वो पिलर है उसके लिए, उसके बिना वो कैसे करेगा, दैट इज द टेस्ट फॉर ऋतु। बट जो उसने किया ये IPL में, वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही, मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया था। और एक और प्लेयर है जिसके लिए हम सबको दुख हो रहा है जो इस टीम में शामिल नहीं हो पाया है, विच इज रिंकू। तो रिंकू की कमी तो आप ये तो बोलोगे लाइक कमी तो खलने वाली है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, यही मैं बोल रहा था आपको कि ये 15 मेंबर स्क्वाड होता है, अगर 16 मेंबर्स होता तो रिंकू 100% आता टीम में, लेकिन यही एक टॉसअप वाला काम रहता है। बिकॉज आप अभी संजू सैमसन को लिया उन्होंने, लेकिन संजू सैमसन इज अ सेकेंड विकेट कीपर ऑल्सो, सो अगर अभी ऋषभ के, यू नो, ऋषभ हैज कम बैक इतने बड़े इंजरी के बाद, वो खेल रहा है और IPL पूरा उसने कंप्लीट किया, ये बहुत बड़ी बात है। बट कभी भी कुछ भी वो नी को फिर से हो सकता है, सो एक बैकअप चाहिए, इसके लिए दे हैव पिक सैमसन, बिकॉज अगर कुछ हो गया तो इमीडिएटली दे कैन ड्राफ्ट सैमसन। बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, और रिंकू ने बहुत परफॉर्म कर करके, लेकिन मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप के बाद एक ट्रांजिशन फेज आ जाएगा, जब भी आप ऋतु बोलो या रिंकू, ये सब बेसिकली न्यू एज क्रिकेटर्स, तिलक वर्मा आप बोलो, ये सब लड़के आ जाएंगे टीम में, और एक बहुत ही यंग T20 टीम हो जाएगी इंडिया की। सर अभी आपने विकेट कीपर्स की बात करी, हमारे पास अब की बार है ऋषभ पंत और संजू सैमसन, और उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि KL राहुल कहीं ना कहीं वो अपनी टीम में जगह नहीं बना पाए, यू नो, एज अ विकेट कीपर ऑल्सो। आई थिंक ऋषभ को हम साइड में रखेंगे, बिकॉज ऋषभ इज मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और शायद इंडिया का कैप्टन बनेगा आगे जाके, बनना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अगर हम KL और संजू सैमसन को कंपेयर करें, तो लास्ट 2-3 सालों में संजू सैमसन का T20 स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा है KL से। तो हमारी टीम में स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप देखो आज की डेट में जो टीम बहुत अच्छा कर रही है T20 में, वेस्ट इंडीज बोलो या आप इंग्लैंड बोलो, आप ये 20 ओवर्स अगर ब्रेक करो तो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है ओवर 7 टू ओवर 11, 7 से 11 ओवर्स में आप क्या स्ट्राइक रेट में जा रहे हो, और इंग्लैंड जा रहा है 150-160 में, वेस्ट इंडीज जा रहा है 140-150 में, हम जा रहे हैं 90-100 में, तो मैच वहां ही डिसाइड हो रहा है। तो वो 4 ओवर में कौन सा प्लेयर बहुत सूटेबल होगा, दैट इज संजू सैमसन, नॉट KL राहुल। दिस टाइम इन द वर्ल्ड कप क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस, सीइंग दैट कि अब की बार पिचेस कंपैरेटिवली स्लोअर होने वाली है, पिचेस स्लोअर होने वाली है और बाउंड्री भी बड़ी होगी। IPL में बाउंड्रीज आप अंदर पुल कर रहे हो थोड़ा, तो वो छक्के लग रहे 20-20 रोज अंदर, लेकिन ये जो बैट्समैन को एक छोटा, जब भी आप जाते हो बैटिंग के लिए और जब भी आप देखते हो कि बाउंड्री थोड़ी छोटी लग रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन आप जब भी देख रहे हो कि बाउंड्री फुल ग्राउंड पे है, तो आप भी थोड़ा बहुत सोचते हो कि यार क्लियर होगा कि नहीं, यू नो। तो इन एडिशन टू स्लो विकेट्स, ये फुल साइज बाउंड्रीज भी एक डिफरेंस करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये 230-240 वाले मैचेस होंगे। आई थिंक इधर वेस्ट इंडीज में टारगेट क्या होगा, आई थिंक जस्ट 180-200, जस्ट एज अ, आप एक आंकड़ा पकड़ के चलो तो 180-200 विल बी बहुत ही डिफेंडेबल टोटल होगा। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया इज इन ग्रुप ए और उसमें पाकिस्तान है और देर आर रिलेटिवली न्यूअर टीम्स, तो हाउ इजी, कितना आसान होने वाला है इंडिया के लिए सुपर एट में जगह बनाना। मैं तो बोलता हूँ कि ब्रॉडकास्टर इंडिया को देख के फॉर्मेट बनाते हैं, बिकॉज उनको चाहिए एक इंडिया पाकिस्तान मैच ग्रुप स्टेज में, एक इंडिया पाकिस्तान मैच एक नॉकआउट स्टेज में, तो दो बड़ी मैचेस हो गई। और इंडिया भी, जैसे आप फॉर्मेट देख रहे हो, इंडिया आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाना चाहिए, तो वो एक ब्रॉडकास्टर ड्रिवन भी एक होता है। सो आई थिंक आप ट्रेडिशनली देख लो तो इंडिया के लिए कैसा रूट सेमीफाइनल तक सबसे साफ बनाया जाए, आई थिंक लास्ट टाइम जब भी टफ था वाज 2011 वर्ल्ड कप, बिकॉज हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल खेले थे अहमदाबाद में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो बहुत बहुत ही टफ था, इंडिया वन दैट टूर्नामेंट, यू नो। बट ये ब्रॉडकास्टर ड्रिवन भी होता है, बट ऐसे जीत में फिर मजा भी आता है, मतलब जहां पे प्रेडिक्टेबल हो कि इंडिया तो भाई जगह बनाएगी। लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि कोई किसी को भी हरा सकता है,
यू नो, बिकॉज अभी हम पहले चार मैच खेलेंगे फिर जाके और चार मैच खेले तीन मैच खेलेंगे तो वो तीन मैचेस में बहुत गर्मी हो सकती है बिकॉज तभी यू आर प्लेइंग द बेटर टीम्स यू नो. तो So, मजा आएगा ये टूर्नामेंट. बात करें हम इंडिया और पाकिस्तान की, हर कोई एक्साइटेड रहता है इस मैच के लिए, बट जो करंट पाकिस्तान की टीम है लेड बाय बाबर आजम, आपको क्या लगता है कि सच्ची में इंडिया और पाकिस्तान की कांटे की टक्कर होने वाली है? मुझे नहीं लगता. मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूँ एज अ कैप्टन. बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर बट मेबी नॉट अ ग्रेट कैप्टन. ये जो एक गलत फहमी है कि आपका सबसे अच्छा प्लेयर सबसे अच्छा कैप्टन बनेगा, ये गलत फहमी, ये गलत है बिल्कुल. तो मुझे नहीं लगता. आई थिंक दिस इंडियन टीम हैज गॉन अहेड ऑफ द पाकिस्तानी टीम इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट. लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि मोहम्मद आमिर भी अभी टीम में है तो उनका फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा है. तो अगर न्यूयॉर्क में अभी ये जो पिच है वो ड्रॉप इन पिच है, ऑस्ट्रेलिया से वो पिच आई है, न्यूयॉर्क में वेदर मुझे मालूम नहीं है बिकॉज वो जल्दी मैच स्टार्ट होगा शायद 10:30 बजे सुबह. अगर थोड़ा क्लाउडी होगा तो ये अफरीदी एंड हारिस एंड नसीम एंड आमिर कुड बी अ हैंडफुल. लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान मैच है फाइनली, यू नो, उसमें थोड़ी तो गर्मी आ ही जाएगी. सो इट्स अ गुड वन. सुबह 6 बजे भी हो तब भी गर्मी आ जाएगी. और न्यूयॉर्क में है द यू नो द मोस्ट कमर्शियल सिटी इन द वर्ल्ड. इतना बड़ा इंडियन पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, दे आर इन फॉर अ ट्रीट. राइट. एंड मे बी दिस इज द रीजन कि अब की बार यूएस में भी मैचेस रखे गए बिकॉज प्रोबब्ली दे आर ट्राइंग टू मेक क्रिकेट मोर पॉपुलर. और अभी आप देखो तो 2028 के ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होंगे, उसमें क्रिकेट है. 2032 के ओलंपिक्स ब्रिस्बेन में है एंड देन इंडिया इज ट्राइंग फॉर 2036. लेकिन ये 2028 वाले ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के लिए. अगर अमेरिका क्रिकेट को सीरियसली लेगा तो ऑलरेडी कमर्शियली जो सक्सेसफुल स्पोर्ट है क्रिकेट वो और 10 टाइम्स बढ़ जाएगा कमर्शियली. बिकॉज जब भी अमेरिका कोई स्पोर्ट सीरियसली लेता है तो बहुत एक कैपेसिटी वो बिल्ड करते हैं उसमें. तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. मेरे अक्वेंटेंस है जो लॉस एंजलिस गेम्स के सीईओ है और मेरा उनके साथ कॉल था एंड वो उन्होंने क्रिकेट का 10-15 बार यू नो जिक्र किया कि जतिन क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स के लिए बिकॉज जब भी क्रिकेट ओलंपिक्स में आएगा तभी यंगर एज ग्रुप ओलंपिक्स फॉलो करेगा. सो दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिकेट. राइट. सो वी जस्ट होप कि बेसबॉल के बाद और फुटबॉल लाइक यूएस में क्रिकेट भी पॉपुलर हो और ये T20 T10 फॉर्मेट आल्सो कुड बी पॉपुलर यू नो बिकॉज द अमेरिकन ऑडियंसेस वांट 1.5 घंटे में थैंक यू वेरी मच बेसिकली यू नो. सो व्हेन इट कम्स टू अदर टीम्स इन T20 वर्ल्ड कप, आपको सबसे ज्यादा कौन सी टीम्स प्रॉमिसिंग लग रही हैं? मुझे वेस्ट इंडीज बहुत डेंजरस टीम लग रही है बिकॉज दे आर प्लेइंग अपने होम ग्राउंड पे भी खेलेंगे. दे आर प्लेइंग एट होम और अगर आप अभी आईपीएल में देखो तो ये आंड्रे रसल और ये सब फॉर्म में है यू नो. तो एंड उनको अभी प्रूव करना है कुछ. उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है फ्रॉम अ कंट्री क्रिकेट पर्सपेक्टिव बिकॉज पहले तो एक कंट्री है ही नहीं यू नो. सो आई थिंक वेस्ट इंडीज इज़ अ डेंजरस टीम. इंडिया इज़ अ गुड साइड इज़ वेल. इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक T20 स्ट्रक्चर है, जो डोमेस्टिक T20 का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है और अभी ये इंग्लिश टीम में बहुत यंगस्टर्स है और थोड़े अन यू नो बहुत लोगों को मालूम नहीं कि वो कैसे खेलते हैं, उनका क्या यू नो अप्रोच है गेम का. तो आई थिंक इंग्लैंड भी एक अननोन क्वांटिटी है मेरे ख्याल से. उन्होंने पाकिस्तान को लास्ट ईयर बीट करके काफी प्रूव करा है अपना मेडल. बिल्कुल 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 बिल्कुल. व्हिच यू थिंक आर गोइंग टू बी द क्लैश ऑफ टाइटंस, कौन से मैचेस के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? आई थिंक इंडिया वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी मैच होगी. बहुत बड़ी मैच होगी. इंडिया पाकिस्तान तो वो तो है ही यू नो, एक पूरा वो नेशनल हॉलीडे हो जाएगा इधर. बट आई थिंक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वेस्ट इंडीज, इंडिया इंग्लैंड बहुत बड़े मैचेस हैं. व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया आई थिंक उनके पास बॉलिंग नहीं है वेस्ट इंडीज के लिए मेरे ख्याल से. इंडिया के पास बॉलिंग है, इंग्लैंड के पास बॉलिंग है वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन आई थिंक थोड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रगल करेगी ऐसा मुझे लग रहा है. नाउ सिंस वी कम टू द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, आई हैव अ quick rapid fire session with you. Sure. Okay, the question one goes like, who are the top three dark horses, the teams
that can whip up a surprise this time. Okay. I think South Africa, Bangladesh is a dangerous side. I think even Netherlands is a dangerous side. So I think ye team agar dark horses ki baat karo to Netherlands bhi bahut achhi team hai. And US I will say, but I think if you want me to pick three, I feel South Africa, Netherlands and Bangladesh. Okay. Top three players to watch out for this time. I will say Jaiswal. I think De Kock is again playing. So I think De Kock is a dangerous player as well. And I think Ben Stokes as well. You know, so these three guys, I feel left-handers will be important. India ki team ka real rival kaun hone wala hai apki bar? Mujhe lagta hai West Indies, wo bahut badi match hai. And I think iske liye ye jo team pick ki gayi hai, ये तीन स्पिनर इम्पोर्टेंट है वो मैच में. द बिगेस्ट एडवांटेज इंडिया के पास है दिस T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली. कौन सा बड़ा चैलेंज है जो इंडिया फेस कर सकती है वहाँ पे? मेरे ख्याल से अगेन मैं वेस्ट इंडीज मैच में जाऊंगा, अगर अगर हम उनको 220-230 करने देंगे तो शायद थोड़ा टफ हो सकता है अपने लिए. ऑल्सो काफी क्योंकि अननोन पिच है यूएस की, वहाँ पे खेला ही नहीं है हमने. तो डोंट यू थिंक सो दैट पिच अनफेमिलियर है? ये जो टीम मैनेजमेंट है, इंडियन टीम मैनेजमेंट, उन्होंने रिसर्च किया होगा ये पिच के बारे में कि वो पिच कौन से ग्राउंड से लाया था, वो ग्राउंड पे वो पिच का क्या परफॉर्मेंस था, न्यूयॉर्क में क्या वेदर होगी, लास्ट ईयर ये टाइम पे क्या वेदर था. तो ये पूरा उन्होंने जो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स है वो किया होगा. बट वेदर का मुझे मालूम नहीं कि वेदर का क्या होगा, बिकॉज दैट कैन प्ले अ बिग फैक्टर. योर फेवरेट फ्रॉम द टीम इंडिया स्क्वाड? जयसवाल. Okay, a lot of bets on Jaiswal Abhi. Yeah. One Indian player you feel should have been included in T20 World Cup? I think Rinku. So, lot of hearts for Rinku. Yeah. Lot of disappointments ki Rinku apke baar nahi hai. Yeah, because wo usne tough situation se matches nikale hai. Right. Lekin aage jaake wo khelega hi 100%. Thank you so much, Jatin ji. It was so insightful and so amazing having you. And all of us are really excited for this T20 World Cup. Yeah, yeah. And aapke insights se, of course, we have got a lot of clarity. And hume ye bhi pata chala hai ki jitne hum disheartened hain ki Rinku team mein nahi hai, utne aap bhi hain. So, thank you so much, sir, for being a part of this pleasure. Interview. Pleasure. Thank you so much. Yeah. And you wonderful people, cricket fans, for more such videos, stay tuned to Midday. We'll be back with more. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.